तो दोस्तों अभी हाल ही में बॉलीवुड के दिवंगत सुपरस्टार ऋषि कपूर जी की आखिरी फिल्म शर्मा जी नमकीन का पोस्टर शेयर किया गया था। और दोस्तों ये मूवी ऋषि कपूर जी की करियर की आखिरी फिल्म होने वाली है और इसका फर्स्ट लुक अभी उनके बर्थडे पर जारी किया गया था। तो दोस्तों ये मूवी की स्टार कास्ट से क्या होने वाली है, इसका ट्रेलर हमें कब तक देखने को मिलेगा और इसकी स्टोरी क्या होगी, चलिए जानते हैं आज के इस वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं। वो दोस्तों आपको बता दूं कि इस मूवी को प्रोड्यूस कर रहे हैं फरहान अख्तर, रितेश सिद्वानी और अभिषेक चौबे। वो दोस्तों इस मूवी को डायरेक्ट करने वाले हैं हितेश भाटिया जी। दोस्तों आपको बता दूं कि ये मूवी ऋषि कपूर जी की लास्ट मूवी है और इस मूवी की वो अपने अंतिम दिनों में शूटिंग कर रहे थे, लेकिन अचानक 30 अप्रैल 2020 को उनकी मृत्यु हो गई थी और इस फिल्म का काफी सारा हिस्सा शूट होना बाकी था। अब ऋषि कपूर जी उस फिल्म में लीड रोल निभा रहे थे, तो अब फिल्म यूनिट के लिए बहुत बड़ी समस्या हो गई थी कि ये रोल किसे दिया जाए। फिर उसके बाद फिल्म यूनिट ने और मेकर्स ने बॉलीवुड के जाने माने एक्टर परेश रावल जी को ये रोल ऑफर किया और उन्होंने भी इस फिल्म के बाकी बचे हुए सीन को कंप्लीट किया। अभी हाल ही में दोनों के लुक शेयर कर दिए गए हैं जो कि बहुत ही अच्छे लग रहे हैं और यूनिक भी लग रहे हैं। एक तरफ ऋषि जी हंसते खिलखिलाते हुए हमें दिख रहे हैं, वहीं दूसरी ओर परेश रावल जी भी अपने संजीदा अंदाज में नजर आ रहे हैं। वहीं दोस्तों बात करें इस मूवी की स्टोरी की, तो दोस्तों ये कहानी एक ऐसे कॉमन मैन की है जो कि अपनी लाइफ में रिटायर हो चुका है और रिटायर होने के बाद वो अपनी जिंदगी को कैसे जीतता है, इसी रूप को बहुत ही हंसी मजाकिया अंदाज में बताया गया है। वहीं दोस्तों बात करें इस मूवी की कास्ट की, तो दोस्तों इस मूवी में आपको ऋषि जी के अलावा जूही चावला, सतीश कौशिक जैसे सुपरस्टार इस मूवी में हमें नजर आने वाले हैं। वहीं दोस्तों बात करें इस मूवी की रिलीज डेट की, तो दोस्तों ये मूवी हमें इसी साल के अंत में यानी कि नवंबर दिसंबर में देखने को मिल सकती है। वही दोस्तों ये मूवी इसलिए भी स्पेशल है कि आखिरी बार हमें ऋषि कपूर जी की एक्टिंग देखने को मिलने वाली है। तो दोस्तों अब आप शर्मा जी नमकीन के लिए कितना ज्यादा एक्साइटेड है मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। और अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हम आपसे ऐसी ही अपडेट शेयर करते रहें। तो दोस्तों मिलते हैं ऐसी एक और एक्साइटिंग वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।